किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज बहुत मज़ेदार, बहुत क्विक, बहुत अच्छी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि आप घर बैठकर रेस्टोरेंट की लज़त और बहुत मज़ेदार तैयार करेंगे, जो कि अक्सर रेस्टोरेंट में तो आप ये बहुत पसंद करेंगे। घर में बैठ के ही बनाएं, आज कोरोना वायरस चल रहा है, बाहर कोई निकल नहीं रहा सही तरह से, डर लगता है, तो बच्चों के लिए घर में ही तैयार करें। ये तो भी कई चीज़ें डलनी हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं कैसे तैयार करनी है। ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आए जी आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें मैंने ये दो ब्रेस्ट पीस लिए हैं, इसके अंदर कट लगाएंगे, इसमें कट लगा कर ये पॉकेट बना ली है, ये देखें दिखाती हूँ, ये दोनों कर लिया, ये देखें इस तरह पॉकेट बना लेनी है। इसको फिर कैसे तैयार करना है बताते हैं आपको। इसमें मुझे चाहिए जी चिली सॉस लिया मैंने 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून मैंने ओरिगैनो लिया है, रेड मिर्च जो लाल मिर्च है वो मैंने तकरीबन 2 पिंच लिए है, इतनी ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि मिर्च नहीं ज़्यादा खाते बच्चे, तो ये सोया सॉस लिया है, और मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। ये मैंने ले लिया जी ऑयल है, ये जैतून का तेल है, ये वाला 1 चम्मच लिया छोटी, और ये 1 टेबल स्पून 2 मैंने चिली सॉस के लिए, ये भी इस्तेमाल हो गई है, टूथपिक भी होगी इस्तेमाल। और ये जी मैंने लिया सिरका थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना, ये 1/2 टीस्पून नमक लिया, क्योंकि नमक जो है ना कम खाना मैंने इसलिए कम रखा है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डालिए। और ये मैंने मेयोनीज लिया, ये भी इस्तेमाल होगा, अंडा लिया है, ये मैदा लिया है, और ये जी ब्रेड क्रम दिया है वो मैंने लिया है जी, प्याज थोड़ा थोड़ा ये रख लें, और वो जो लहसुन है वो भी पिसा हुआ है, और ये मैंने केचप लिया है, ये भी इस्तेमाल होनी है, ये कुटी मिर्च मैंने रखी है उधर, ये कुटी मिर्च है जी, ये भी इस्तेमाल होगी, और ये मैंने ये चीज़ें जो सब्जियां हैं ये भी काट ली हैं, तो इंशाल्लाह ताला तैयार करते हैं फिर दिखाते हैं। तो मैगियां ली हैं, उसका भी इस्तेमाल करना है, पानी बॉयल हो गया है, तो ये पानी के अंदर मैंने मैगी जो है डाल दी है, ये बॉयल होती है जैसे ही, तो फिर मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। अब जी ये हमने जो मैंने तैयार करनी है चीज़, इसमें मसाला लगाना है, ये मैंने चिली सॉस डाल दी इसमें, ये मैंने मसाले डाल दिए सारे जो मैंने दिखाए थे आपको, ये सिरका भी डाल दिया मैंने, और ये काली मिर्च है, ये जी हमने ऑयल भी डाल दिया, ये हमने जैतून का तेल डाला है, ये मैं नमक डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा सिरका है 1/2 टीस्पून, तो इसको हम मिक्स करते हैं फिंगर हाफ के साथ ही कर लेते हैं इसी तरह। इसको ये मैंने अंदर से कट लगा लिया, ये पॉकेट बना दी इसकी, ये ब्रेस्ट पीस था, इसके अंदर आपने इस तरह लगाना है ये सारा अच्छी तरह ताकि इस पर रच जाए। इसमें हमने चीज़ भी यूज़ करना है, चीज़ जो है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये भी मैं इसको लगा लूँ ज़रा तो फिर दिखाती हूँ, अच्छी तरह से आप लगाएं ताकि ये अच्छा सा तैयार हो। टूथपिक का भी इस्तेमाल होगा, ये पूरी आपने इसी तरह टूथपिक के साथ बंद कर देना इसको, ये देखिए।
जी, इसी को भी इस तरह रख देना। ये भी मैं इसको पलटाने लगी, अच्छे से तैयार हो गया। बिल्कुल फ्लेम आपने बिल्कुल हल्का रखना है ताकि अंदर तक गल जाए, बिल्कुल तेज नहीं करना फ्लेम आपने। ये जी मैंने आलू जो है थोड़े से कटिंग कर कर बॉयल किए हैं। बॉयल करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला है, और ये जी मैंने काली मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा मैंने मैदा डाल दिया, इसको स्टर कर दिया। इसको भी फ्राई करते हैं, ये भी साथ रखने हैं। आज बहुत मज़ेदार हम डिश बना रहे हैं। नूडल मैंने बॉईल कर लिए थे, ये थोड़ा सा ऑयल लगा कर मैंने प्लेट में रख दिए। अभी अगला स्टेप जो आप करते हो तो फिर थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है नूडल में ना। नूडल मैंने इसमें ऐड कर दिए, ये मिक्स कर दिया सारा। इसके साथ जो मिर्चा मसाला मैगी मैंने बॉयल की थी, मैगी का ये मसाला था, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। मैगी मसाला जो है एक पूड़ी डाल दें, दो चले जी। अब डिश आउट करते हैं। ये जो मेयोनीज था इसमें मैं ये थोड़ा सा लहसुन है ये भी डाल रही हूँ। ये हम थोड़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे इसका, ये बड़ी अच्छी सॉस तैयार होती है। इसमें मैंने चिली सॉस भी मिला दी है, एक चम्मच छोटी टीस्पून डाल दें, थोड़ी सी थी ये, और मैंने टीस्पून स्पून एक केचप डाल दी है। इसी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। जी चिप्स भी फ्राई हो गई है। अब मैं डिश आउट करती हूँ तो दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि बच्चे ये ज़रूर पसंद करेंगे। तो आप ये जी मैंने डिश आउट कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह ताला ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जब भी आप चिकन के ब्रेड जो पीस है उसको रखें तो ढक्कन ऊपर ना दीजिएगा, हल्की आग पर रख छोड़िएगा ताकि ये अच्छे से अंदर से भी गल जाए। और ये चीज़ अंदर से मेल्ट कैसी हुआ है।